हेलो फ्रेंड्स, ऐसे अन्नपूर्णा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ बेसन के लड्डू की रेसिपी, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। बेसन के लड्डू को तो हम सभी बहुत ही पसंद करते हैं, पर क्या होता है जब कभी हम इसे घर पर बनाते हैं तो इसमें थोड़ा कच्चापन रह जाता है और लड्डू जो है वो अच्छे नहीं बनते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट बेसन के लड्डू की रेसिपी बताने वाली हूँ और आप इसे कभी भी किसी भी टाइम बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को हम लोग घर पर कैसे और कितनी आसानी से बना सके वो देखते हैं। हमेशा की तरह अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर घी। तो घी यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है। तो पहले हम यहाँ पर घी को गर्म करेंगे और जैसे ही घी गर्म हो जाता है हम इसमें बेसन डाल देंगे। बेसन यहाँ पर मैंने 2 कप लिया है। तो अब हम अच्छे से बेसन को घी में मिक्स कर लेंगे और इसे हम कंटिन्यूअस चलाते जाएंगे। बेसन के लड्डू में जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो है बेसन को भूनना, और इसे भूनने में कम से कम हमें आधा घंटा लग जाता है। और जब भी आप बेसन को भूनेंगे गैस का फ्लेम लो रखेंगे, इससे क्या होगा इसका टेस्ट तो अच्छा होगा ही, साथ ही में लड्डू जो है वो भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। थोड़ी देर लगातार चलाने के बाद हम देखेंगे कि बेसन में से जो घी है वो छोड़ना स्टार्ट हो गया है। अभी तक सिर्फ मैंने इसे 10 मिनट तक ही चलाया है, इसे हमें अभी भी कंटिन्यू 20 मिनट तक चलाना है और इसे तब तक चलाते जाएंगे जब तक कि बेसन से एक अच्छी महक और इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। और इसे लगातार लो फ्लेम पर आधे घंटे तक भूनने से क्या होगा, बेसन में जो कच्चापन है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ये देखिए बेसन जो है बहुत ही अच्छे से भून चुका है और इसमें बहुत ही अच्छी महक आ रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कढ़ाई को साइड में रख देंगे। तो ये हमने कढ़ाई को गैस पर से उतार लिया है। तो अब हम बेसन को ठंडा करेंगे और इसे इस तरह से चलाते जाएंगे। तो बेसन को हमें पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गर्म रहना चाहिए। तो अब मैं इसमें कलर लाने के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर डालने से इसमें थोड़ा सा कलर चेंज होगा और टेस्ट बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो थोड़ी देर लगातार चलाने के बाद हम देखेंगे कि बेसन जो है वो ठंडा हो गया है और ये अब ठीक हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पीसी हुई इलायची और पीसी हुई चीनी। आप यहाँ पर चीनी के बदले भूरा या तगार भी ले सकते हैं। तो चीनी यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है और चीनी को दरदरा पीसिएगा, क्योंकि भूरा जो आता है वह दरदरा होता है, इससे क्या होगा लड्डू जो है वो दानेदार बनेगा। तो इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और याद रखिए जब भी हम इसमें पीसी हुई चीनी या फिर भूरा ऐड करेंगे तो बेसन जो है वो हल्का गर्म होना चाहिए। तो ये देखिए ये अब अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इससे लड्डू बनाएंगे। अगर आपका मिक्स पतला हो जाता है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, या फिर अगर ये ड्राई हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप आसानी से लड्डू बना सकते हैं। तो ये देखिए परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार है, अब हम इसे प्लेट में रख देंगे और अब ठीक इसी तरह से हम बाकी के लड्डू बनाते जाएंगे। और लास्ट में मैंने इसे सजाने के लिए इसके ऊपर बादाम को डाल दिया है। आप इसे सजाने के लिए अपने मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला परफेक्ट बेसन के लड्डू बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसे तुरंत भी खा सकते हैं या फिर आप इसे आधा एक घंटा छोड़ दे उसके बाद खाएं, और इसे आप काफी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपीज में, अभी के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।